पहले हम वाटर पार्क में घुस गए हैं, मेरे को तो खूब मजा आ रहा है, जैसे कि हाय भाई, ओह माय गॉड, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो गोरी सच हूँ तुझ मन्नत के हूँ लागे लू, गोरी सच हूँ तुझ मन्नत के हूँ लागे लू। तो कितने कितने ऊंचे मतलब बनाया गया, अगर लोग ऊपर से खूब मजा आ रहा है, मतलब चालू होने से पहले ही आनंद आ रहा है इतना, तो चालू होने के बाद कितना आनंद आएगा जरा देखिए इन तस्वीरों को। मतलब 10 तारीख को उद्घाटन है, उद्घाटन के दिन सभी लोग आ सकते हैं क्या? लगने वाला है जो मुंबई कहाँ कहाँ नहीं होता था, आपको नजदीक गांव में हो रहा है, वहाँ पे सबसे बड़ी बात आएंगे, घर जैसे रहेंगे, हमारे भाई बहन भतीजे सब रहेंगे, किसी प्रकार का मैं पूरा टाइट रहूंगा। वाटर पार्क जब भी आना है तो आपको हुंडईया पेट्रोल पंप आपको सामने दिख रहा है, और यहाँ पे जब भी आएगा तो एक मंदिर देखेगा और मंदिर के सामने एक ढाबा का पेड़ भी लगा हुआ, और जब भी जाएगा तो पेट्रोल पंप के जस्ट फायदे वो वाली जो रास्ता है उस वाली रास्ता में आपको प्रवेश कर जाना है, यानी इस पेट्रोल पंप पर आने के जस्ट दक्षिण वाले रोड में चले जाना। तो चलिए हम उस रोड में जाता है जिस तरीके में ट्रक जा रही है, और उसी में हम वाटर पार्क घुमाते हैं आप। तो नमस्कार, हम फाइनली पहुंच गए हैं वाटर पार्क के, यहाँ पे वाटर पार्क का एकदम सेशन मुसी गाड़ी का सबसे नजदीक उंडिया चौक पे, हम इसके अंदर चलते हैं और बात करते हैं, और कुछ यहाँ पे भी है। सर गेट खोल दीजिएगा थोड़ा, मैनेजर सर बोले हैं। तो हम इसके अंदर चलते हैं, यहाँ अभी काम चालू है तो इसीलिए यहाँ पे तो एक क्या है कि अंदर में ही बात होगा कि क्या मतलब कितना ग्राउंड का क्या इंटरेस्टिंग होने वाली है ब्लॉगिंग का पूरा। तो हुंडई का एक लुकावट जो हमारे बड़े बड़े कैपिटल्स राजधानी में होते, वही गांव में एंजॉय हो तो कितना आनंद होता है, कम खर्च में लोगों को एंजॉयमेंट मिलता है, तो ये चीज कहीं ना कहीं अच्छी है कि गाँव में भी है तो अच्छा लग रहा है काफी। और ये सभी मतलब यहाँ के ऑनर कौन है? ऑनर यहाँ नहीं है, मैनेजर है। तो यहाँ के मैनेजर सर यही, आपका नाम क्या हुआ? राजू प्रिंस। राजू प्रिंस, तो इन्हीं से मतलब पूछते हैं यहाँ कितना का बजट है, क्या कब तक कंप्लीट हो जाएगी, क्या खर्च होने वाला है पूरा बता दीजिए। अभी लगभग कंप्लीट है, 10 तारीख को इसका उद्घाटन करने हम लोग जा रहे हैं, और भी चीज कई चीज अभी बाकी है जो कि 10 तारीख तक हम लोग इसको कम्प्लीट कर देंगे। लागत तो अभी लगभग 5 करोड़ के आसपास जाने वाला है इसका, अभी और भी रेस्टोरेंट बन रहा है, अभी और भी चीज बहुत सारा बनने का है यहाँ पर, अभी बहुत लोग बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा है, पार्क है, सब कुछ है यहाँ पे, और पार्क भी बड़ा है, बहुत लोग भी आए हैं यहाँ, सब कुछ है एकदम, सिक्योरिटी का भी अच्छा व्यवस्था रखा गया है, गार्ड भी है, 10-20 गार्ड है, बहुत लोग हैं, लेडीज स्टाफ भी है। तो ये लोग कौन है? ये सभी के लिए। आप इसके अंदर से निकलिएगा, इसके अंदर से तो लगेगा कि किसी मतलब क्या बोलते हैं सुरंग सी चीजें होती है ना पहाड़ों में, उस तरीके का फीलिंग होगा, काफी मजा भी आएगा ना, क्योंकि पानी के साथ आप रहने वाले हैं, और इसमें जो आप निकलेगा तो कैसे कि पूरा राउंड करके घूम के भाई लगेगा कि घूम बच्चे बचपन में जिस तरह घूम मतलब घूमी लग जाता है ना, उस तरीके का एंजॉय आने वाला है। और इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे है जो पूरा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है भैया, ये पूरे राउंड करके घूमते फिर ऐसे मरेगा छलांग, ऐसे चला जाएगा भाई, काफी आनंद आने वाला है। तो आप लोग 10 तारीख को बिल्कुल राइट इसी 10 तारीख इसी 10 मई को आप लोग आइए और यहाँ एंजॉयमेंट कीजिए कुछ। 10 तारीख को पहला दिन है तो काफी कुछ आपको जो है डिस्काउंट देखने को कुछ मिलेगा, पहला दिन रहेगा टिकट का, फ्री सेवा कहीं हो सकता है, मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो चलिए आगे पूरा देखते हैं वहां से क्या लोकेशन होने वाली है, तो चलिए आइए देखते हैं। आप आइए फैमिली के साथ, कोई भी गर्ल्स हो बच्चे हो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यहाँ कोई छिड़कानी भी नहीं होगा, यहाँ आपके लिए बाउंसर सीट भी है, यहाँ देखिए इसमें जब आप इस पे चलेगा तो कितना आनंद आने वाला है, देखिए यहाँ पे चल के, तो हम भी इस पे अगर चलते हैं थोड़ा तो काफी अच्छा लग रहा है भाई, मतलब मेरे को डाउट कितना आनंद सी फीलिंग हो रही है ना, तो मेरे को भाई तुम भी आप भी आ जाइएगा जब पानी स्टार्ट हो जाएगी ये, तो कितना मजा आएगा, थोड़ा इस नीचे वाले सीन को लीजिएगा, हाँ तो काफी आनंद लग रहा है मेरे को, तो थोड़ा धूप भी आ रहा है भाई, चलो मैं थोड़ा ना वीडियो करो बस जहाँ तक थे वहां से लेंगे सीन, चलो। तो फाइनली देखिए उधर भी आपको ले जाएंगे, उधर दिखाइए कैमरामैन, उधर भी फाइनली इधर चलिए कि कितना मजा आ रहा है भाई वाटर पार्क में, मेरे को तो खूब मजा आ रहा है, जैसे कि हाय भाई, ओ माय गॉड, ओ गोरी सच हूँ तू जन्नत के हूर लागेलू,
तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए, अभी काम ही चल रहा है, फिर भी हम रिक्स लेके पहुँच गए हैं, काफी आनंद आ रहा है। तो भाई ओपनिंग होने के बाद कितना आनंद आएगा आप ही लोग बता दीजिए। तो 10 तारीख से मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, रिक्वेस्ट चल रहा है कि देखिए वहाँ जो है लोग कुछ काम कर रहे हैं, लड़के लोग बहुत मजे ले रहे हैं, मतलब अभी वीडियोज बना रहे हैं और आपको दिखाएंगे भी। अभी थोड़ा काम चल रहा है तो उधर मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा, थोड़ा प्रॉब्लम होगी। इधर आ सकते हैं क्या, इधर आ सकते हैं? तो चलिए हम जा रहे हैं फिर भी अपना प्रयास करने के साथ और इसमें घुसते हैं भाई। अरे भाई बहुत मजा आ रहा है। तो देखिए आप जब यहाँ से ऐसे घुसा दिया जाएगा आपको, तो छलते छलते पूरा नाचते 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 जिसको भी नाच करने आ जाएगा, नहीं करने आता उसको भी नाच करने आ जाएगा। इस वाटर पार्क का ये मतलब है। और भाई साहब उस पे भी चलेंगे, कितना मतलब हाइट है उस पे देख सकते हैं, 30-40 फुट का एवरेज तो दिख रहा है। अगर 30-40 फुट से आप नीचे आइएगा तो क्या मजा आने वाली है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। और इसका जो बजट है 5 करोड़ प्लस की बजट है, आपको मैं बता दूं 5 करोड़ प्लस की बजट लगी है। चलिए अब नीचे चलते हैं, मजा आ रहा है, काफी आनंद आ रहा है। वहां भी दिखा सकते हैं, वहां भी आप जा सकते हैं चाहे तो जा सकते हैं ना। तो चलिए मैं जाता हूँ, चलिए और ऊपर भी चलते हैं, बात करते हैं, काफी मजा आ रहा है। और ये किसका चश्मा है भाई साहब, खराब चश्मा है भाई? मैं चश्मा लगा के देखता हूँ क्या मजा आ रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ आप लोग बताएगा। इन्हीं भाई साहब का चश्मा क्या, तो भाई साहब आप ही चलिए इनसे भी कुछ पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम बिल्कुल है। तो वाटर पार्क यानी लोगों को सेवा देने के लिए काम करे, बहुत अच्छा काम करे बताइए। हाँ। तो कब से ये स्टार्ट होगा? 9 तारीख। आप भी ओपनिंग कीजिएगा कि नहीं, सिखाएंगे इसमें, मजा कीजिएगा कि नहीं, मजा आएगा कि नहीं आएगा? मजा आएगा। तो चलिए ठीक है, आपका घर कहाँ है? मेरा घर पटना है। पटना से लोग आए हैं काम करने के लिए भाई, 5 करोड़ का बजट तो है। तो मैं ना फाइनली यहाँ पहुँच गया हूँ, पूरा वाटर पार्क एकदम नजदीकी और पूरा काफी अच्छा लग रहा है भाई आसमान। और नीचे देखेगा तो कितना डाउन में है, नीचे देखेगा कैमरा में एकदम पूरे डाउन में है और ऐसे पूरा राउंडिंग की तरह है। और देखिए इधर इधर दिखाइए, पूरा इधर आइए मेन गेट पे भाई। हमको तो थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है क्या बोलूं, लेकिन आनंद ही आ रहा है यहाँ, क्योंकि हमको परमिशन दिया गया है वीडियोस बनाने का, तो मैं आया हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। और आज जो है आज भी पूजा है वाटर पार्क की, तो आप लोग 4-5 बजे तक आइए, इस पूजा में शामिल होइए आज जो है। और तो चलिए हम बात करते हैं, अब वहाँ चलते हैं, फाइनली बहुत हो गया। इधर दिखा दीजिए कैमरामैन, इधर भी है, उधर भी, वो दो पे नहीं चढ़े हैं आपको मैं बता दूं। और इधर भी आइए, और इस बॉक्स से भी हम लोग निकल सकते हैं फाइनली, देखिए चलिए इस बॉक्स से हम लोग ना निकलते हैं, क्या मजा है। पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, जब भी मतलब 10 तारीख को उद्घाटन है, उद्घाटन के दिन सभी लोग आ सकते हैं क्या? तो फाइनली हम जो यहाँ बाउंसर के पास है, इनसे पूछेंगे कि जनता यानी पब्लिसिटी जो लोग आएंगे लोगों को कितना सेवा दे सकते हैं अपनी हिम्मत के साथ पूछताछ करते हैं। तो चलिए फर्स्ट पल आप अपना नाम बता दीजिए। अमन कुमार महाराज। तो यहाँ लोगों को क्या अपना सेवा किस तरीके से दीजिएगा, कितना? हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ तक कि हो सकता है अच्छी से सुरक्षा का व्यवस्था करवाएंगे, हर चीज से, ऐसी कोई चीज ना हो यहाँ पे जिससे झगड़ा लड़ाई या किसी लड़की छेड़खानी बहुत वगैरह। हाँ, ऐसा कोई ना हो जिससे यहाँ के जो लोग यहाँ पे आएंगे एंजॉय करने के, उनको कोई प्रॉब्लम हो, इसमें हम लोग पूरा सुरक्षा एकदम टाइट रखेंगे। चलिए अच्छी बात है, अब इनसे बात करते हैं, आप अपने नाम बताइए। नीतीश कुमार। आपका क्या काम है इसे वाटर? सुरक्षा देना। सुरक्षा देना, तो सुरक्षा देंगे तो आप बाउंसर हुए ना, तो लोगों को क्या सेवा दीजिएगा? जैसे हम लोगों से सुरक्षा देना। सुरक्षा देना हमेशा तत्पर बने रहेगा, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए वाटर पार्क की ये सभी सुविधा मिल रहा है आप लोगों के बीच, आप भी बता दीजिए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मनीष कुमार। और यहाँ क्या सुविधा दीजिएगा? यहाँ छेड़खानी और कुछ भी होगा उसके लिए हम लोग तैनात है। तैनात है और शांति भी बनाए मतलब रखना है, या यहाँ पर कोई झगड़ा वगैरह कुछ दिक्कत उक्कत नहीं आए, और यही अच्छा। आप अपना नाम बता दीजिए। गोलू कुमार। गोलू कुमार नाम है। और आप लोग ये बताइए कि आपके टीम में कितने लोग हैं? मेरे टीम में 15 आदमी हैं। सुरक्षा के लिए मतलब जो बाउंसर है, 15 बाउंसर हैं टोटल। बाउंसर है। और आपके ऑनर जी कौन है, आपके टीम सुरक्षा के ऑनर? हमारे मतलब सिर्फ टीम सुरक्षा के ऑनर जो आपका हेड होगा, संजीव कुमार झा। कौन जी है? संजीव कुमार जी, यही सर है। तो संजीव कुमार जी हैं, आपको इसे वीडियो में पहले भी बता दिए हैं खास तौर पे, अपना आप अपना नाम बताइए। आकाश कुमार। आकाश कुमार है। तो इस वाटर पार्क में सेवा क्यों देना चाह रहे हैं? बहुत सारे जॉब है लेकिन इसमें आप सेवा क्यों देना चाह रहे हैं? सेवा हम इस जॉब बहुत सारे हैं लेकिन इसमें लोगों को आप सेवा दे रहे हैं, कोई तो वजह होगा, अच्छा लगता है जनता को सेवा देना। मैं संजीव कुमार झा, मैं समस्ती से बोल कर रहा हूँ। मैं यह वाटर पार्क का किसी भी हर परिवार का, लेडीज बच्चे जेंट्स सब जो आएंगे उसको सुरक्षा
पूरा से दिखा जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं किसी प्रकार का यहाँ किसी तरह से शिक्षा के पूरे प्रदान करता हूँ, किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला हो, और आराम से बच्चे आएंगे, घर जैसे रहेंगे, हमारे भाई बहन भतीजे सब रहेंगे, किसी प्रकार का मैं पूरा टाइट रहूंगा, सिक्योरिटी टाइट करके रहूंगा, है ना। हाँ तो अपना बता दिए हैं कि आप लोग आइए जब भी, मतलब 10 तारीख को उद्घाटन है, उद्घाटन के दिन सभी लोग आ सकते हैं क्या? हाँ। तो उद्घाटन के दिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने एरिया का वाटर पार्क का नाम बनाइए और आइए भरमार से, और यहाँ उद्घाटन में एक सुविधा मतलब आप लोग हेल्प कीजिए और यहाँ देखिए कि क्या मतलब आनंद आता है हमारे एरिया में। वाटर पार्क के लिए मतलब पहले ढूंढना पड़ता था, अलग जाना पड़ता, तो आपके नजदीक आए हैं। तो 10 तारीख को निश्चित तौर पे सभी लोग से आग्रह है कि जरूर आइए, एक बार घूमने के लिए भी जरूर आइए। चलिए आप बता दीजिए अपना नाम। मेरा नाम राजन कुमार है और यहाँ तक सर से बात हो गई है, सुरक्षा के मामले में भी कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलेगा, जो भी लोग गेस्ट आएंगे उनको पूरा सिक्योरिटी मिलेगा और फिर कोई शिकायत यहाँ से नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। जैसे यहाँ आने के लिए सुरक्षा के लिए आप अपना कोई आदमी मोबाइल नंबर दे सकते हैं वीडियो में? मेरा मोबाइल नंबर हुआ 9471081444। एक नंबर और हो गया 9931248781। अच्छा, इस नंबर के माध्यम से लोग क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? सुरक्षा के लिए जो भी चाहिए सुरक्षा के दृष्टि से वो मैं पूरा आपको बात कर सकता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर पे प्रदान कर सकता हूँ। ओके ओके, तो चलिए आप इनसे लास्ट है मतलब अभी इनसे बात करते हैं, और भी सारे लोग होंगे, अभी सभी प्रेजेंट में नहीं है क्योंकि 10 तारीख से उद्घाटन होगा हमारा, यही 10 मई ही है। तो चलिए आप अपना नाम बता दीजिए। रसिंदर कुमार हमारा नाम हुआ, हम लोग इस लाइन में 5 साल से ड्यूटी दे रहे हैं, बहुत सारे काम करते हैं, पहले ऑलरेडी काम कर चुके हैं जी, हम लोग सांसद विधायक सबको सिक्योरिटी दे चुके हैं, नेता विनेता सबको, अभी तक कोई ऐसा शिकायत का मौका नहीं मिला है, ना आगे कभी मिलेगा। इस वाटर पार्क में जो भी व्यक्ति आएंगे उनको कभी हम लोग की तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, खुशी से आएंगे, खुशी से जाएंगे। तो काफी अच्छा लगा कि यहाँ इतने सारे सुविधा दिए गए हैं, आपको क्या चाहिए, और आप लोग आइए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए और वाटर पार्क का आनंद लीजिए। आप इनसे मतलब सर की चलिए एक आदमी का जरूरत पड़ेगा हमको, ठीक है, होटल सुरक्षा के लिए अभी यहाँ व्यवस्था है। और जो मतलब ओपनिंग होगा, ओपनिंग कब होने वाला है? 10 तारीख को हम लोग ओपनिंग, ये 10 मई के बाद जून 10 यही 10 यानी ये 10 मई यानी 4-5 दिनों बाद जो है ओपनिंग हो जाएगी। आप लोग आज पूजा है 5 तारीख, आज पूजा भी है, यही का पूजा है, तो आप लोग आइए, बेजा पंचायत समस्तीपुर मुसीघारी हर जगह के लोग आए, क्योंकि वाटर पार्क अपने ही मतलब एक गांव में मिलता है, तो काफी मतलब ऐसा हर जगह नहीं होती है, तो ये कैपिटल राजधानी का मजा आने वाला है। और यहाँ पे बाउंसर लोग भी देखिए कितने लगे हुए हैं, इतने मेहनत के साथ आप लोग के सेवा देने के लिए, और सेवा देने के साथ हम लोग आनंद भी उठाते हैं। और आपका नाम क्या होता है? मेरा संजीव कुमार झा नाम हुआ, मैं सुरक्षा का मेन हेड हूँ, सुरक्षा और मैं ही पूरा टाइट पब्लिक के अच्छे सुरक्षा के लिए, बच्चे लोग की सुरक्षा के लिए, किसी प्रकार का कोई तरह का दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं सुरक्षा यहाँ प्रदान किया हूँ अपना दिया हूँ। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, कुछ ये बता सकते हैं कि टिकट का प्राइसिंग क्या स्टार्ट होने वाली है? सब वो तो ऑनर है, मतलब कि 10 तारीख को बाद ही पता चलेगा। चलिए आप उसके अंदर तो पूरा मतलब पूरा लोकेशन के साथ घुमाते हैं कि क्या मतलब कैसे कैसे क्या होने वाला वहाँ पे, चलिए तो पूरा बात होगी। यार तो फाइनली हम जो यहाँ बाउंसर के पास है, इनसे पूछेंगे कि जनता यानी पब्लिसिटी जो लोग आएंगे लोगों को कितना सेवा दे सकते हैं अपने हिम्मत के साथ पूछताछ करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम बता दीजिए। अमन कुमार महाराज। तो यहाँ लोगों को क्या अपना सेवा किस तरीके से दीजिएगा, कितना? हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ तक की हो सकता है अच्छी से सुरक्षा का व्यवस्था करवाएंगे, हर चीज से ऐसी कोई चीज ना हो यहाँ पे जिससे झगड़ा लड़ाई या किसी लड़की छेड़खानी बहुत वगैरह, हाँ ऐसा कोई ना हो जिससे यहाँ के जो लोग यहाँ पे आएंगे एंजॉय करने के उनको कोई प्रॉब्लम हो, इसमें हम लोग पूरा सुरक्षा एकदम टाइट रखेंगे। चलिए अच्छी बात है, अब इनसे बात करते हैं, आप अपने नाम बता दीजिए। नीतीश कुमार। आपका क्या काम है इसे वाटर सुरक्षा देना? सुरक्षा देना, तो सुरक्षा देंगे तो आप बाउंसर हुए ना, तो लोगों को क्या सेवा दीजिएगा? जैसे हम लोग सुरक्षा देना, सुरक्षा देना हमेशा तत्पर बने रहेगा, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए वाटर पार्क की ये सभी सुविधा मिल रहा है आप लोगों के बीच, आप भी बता दीजिए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मनीष कुमार। और यहाँ क्या सुविधा दीजिएगा? यहाँ छेड़खानी और कुछ भी होगा उसके लिए हम लोग तैनात है। और शांति भी बना मतलब रखना है, या यहाँ पर कोई झगड़ा वगैरह कुछ दिक्कत उकत नहीं आए, और यही कारण। अच्छा आप अपना नाम बता दो। गोलू कुमार नाम है। और आप लोग ये बताइए कि आपके टीम में कितने लोग हैं? मेरे टीम में 15 आदमी हैं। सुरक्षा के लिए मतलब जो बाउंसर है? 15 बाउंसर हैं टोटल। बाउंसर हैं।
और आपके ऑनर जी कौन है, आपके टीम सुरक्षा के ऑनर? हमारे मतलब सिर्फ टीम सुरक्षा के ऑनर जो आपका हेड होगा संजीव कुमार झा जी है। संजीव कुमार जी यही सर है। तो संजीव कुमार जी हैं, आपको इस वीडियो में पहले भी बता दिए हैं, खास तौर पे अपना आप अपना नाम बताइए। आकाश कुमार। आकाश कुमार है। तो इस वाटर पार्क में सेवा क्यों देना चाह रहे हैं? बहुत सारे जॉब है लेकिन इसमें आप सेवा क्यों देना चाह रहे हैं? सेवा हम इस जॉब बहुत सारे हैं लेकिन इसमें लोगों को आप सेवा दे रहे हैं, कोई तो वजह होगा, अच्छा लगता है जनता को सेवा देना। मैं संजीव कुमार झा, मैं समस्ती से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ वाटर पार्क का किसी भी हर परिवार का लेडीज बच्चे जेंट्स सब जो आएंगे उसका सुरक्षा पूरा दृष्टि से दिखाया जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं किसी प्रकार का यहाँ किसी तरह से सुरक्षा के पूरे प्रदान करता हूँ, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होने वाला हो और आराम से बच्चे आएंगे, घर जैसे रहेंगे, हमारे भाई बहन बजती सब रहेंगे, किसी प्रकार का मैं पूरा टाइट रहूंगा, टाइट करके बताऊंगा। हाँ तो वही अपना बता दिए हैं कि आप लोग आइए जब भी, मतलब 10 तारीख को उद्घाटन है, उद्घाटन के दिन सभी लोग आ सकते हैं क्या? तो उद्घाटन के दिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने एरिया का वाटर पार्क का नाम बनाइए और आइए भरमार से और यहाँ उद्घाटन में एक सुविधा मतलब आप लोग हेल्प कीजिए और यहाँ देखिए कि क्या मतलब आनंद आता है हमारे एरिया में वाटर पार्क के लिए। मतलब पहले ढूंढना पड़ता था, अलग जाना पड़ता, तो आपके नजदीक आए हैं। तो 10 तारीख को निश्चित तौर पे सभी लोग से आग्रह है कि जरूर आइए, एक बार घूमने के लिए भी जरूर आइए। चलिए आप बता दीजिए। मेरा नाम राजन कुमार है और यहाँ तक सर से बात हुई है, सुरक्षा के मामले में भी कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलेगा, जो भी लोग गेस्ट आएंगे उनको पूरा सिक्योरिटी मिलेगा और फिर कोई शिकायत यहाँ से नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। जैसे यहाँ आने के लिए सुरक्षा के लिए आप अपना कोई आदमी मोबाइल नंबर दे सकते हैं वीडियो? मेरा मोबाइल नंबर 1947108144। एक नंबर और हो गया 9931248781। इस नंबर के माध्यम से लोग क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? सुरक्षा के लिए जो भी चाहिए सुरक्षा के दृष्टि से वो मैं पूरा आपको बात कर सकता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर पे प्रदान कर सकता हूँ। ओके ओके, तो चलिए आप इनसे लास्ट है, मतलब अभी इनसे बात करते हैं, और भी सारे लोग होंगे, अभी सभी प्रेजेंट में नहीं है क्योंकि 10 तारीख से उद्घाटन होगा हमारा, यही 10 मई ही है। तो चलिए आप अपना नाम बता दीजिए। रसिंदर कुमार हमारा नाम हुआ। हम लोग इस लाइन में 5 साल से ड्यूटी दे रहे हैं, बहुत सारा काम करते हैं, पहले ऑलरेडी काम कर चुके हैं जी। हम लोग सांसद विधायक सबको सिक्योरिटी दे चुके हैं, नेता भी नेता सबको, अभी तक कोई ऐसा शिकायत का मौका नहीं मिला है, ना आगे कभी मिलेगा। इस वाटर पार्क में जो भी व्यक्ति आएंगे उनको कभी हम लोग की तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, पूछे जाएंगे कुछ ना जाएंगे। तो काफी अच्छा लगा कि यहाँ इतने सारे सुविधा दिए गए हैं, आपको क्या चाहिए? और आप लोग आइए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए और वाटर पार्क का आनंद लीजिए। आप इनसे मतलब सर की चलिए एक आदमी का जरूरत पड़ेगा हमको, ठीक है?